33 साल के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश यूक्रेन आ रहे हैं, तो ये एक बहुत हर्ष उल्लास का माहौल है हमारे भारतीयों के बीच। हमें तो बहुत खुशी हुई कि मोदी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ खुशहाली होती है। हम बहुत खुश हैं पहले तो कि श्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। मोदी जी से यही गुजारिश है कि प्लीज इस वॉर को बंद कराने के लिए इनको ऐसे मैसेज दीजिए ताकि ये पीस एग्रीमेंट करे, सीज फायर हो और एक नॉर्मल जिंदगी शुरू हो सके जिससे हम आराम की नींद सो सके। वो कुछ ऐसा करें कि ये लड़ाई रुक जाए, और ये हमारा विश्वास है कि वो ही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता काम। हम लोग चाहेंगे कि वो इस 900 दिनों की जो वॉर है उसे विश्राम लगाएं या उन पे खत्म करें। हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जो अटैक कर रही है इस वक्त रशिया, उनको भी पता लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे यूक्रेन के साथ भी हैं, ना कि सिर्फ रशिया के साथ। बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है, 91 के बाद अब 33 साल के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश यूक्रेन आ रहे हैं, तो ये बहुत हर्ष उल्लास का माहौल है हमारे भारतीयों के बीच, क्योंकि करीब 900 दिन हो गए हैं इस लड़ाई को चलते हुए। अब इस पे वक्त आ गया है कि इसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि या तो ये एस्केलेट होगी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी, और नहीं तो इसको अभी बंद होना चाहिए। बंद कराने के लिए एक ही उम्मीद है हमारी कि मोदी जी आए और इनके बीच में सुलह कराएं। बहुत ही हर्ष उल्लास का माहौल है हमारे बीच में। बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज होगा ये, जिससे कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जो अटैक कर रही है इस वक्त रशिया, उनको भी पता लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे यूक्रेन के साथ भी हैं, ना कि सिर्फ रशिया के साथ, और वो चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में खत्म हो ये वॉर। उन्होंने पहले भी दो बार बोला है कि ये वॉर का टाइम नहीं है, और दूसरी बार ये जब विजिट पे थे तब भी बोला कि यहाँ पे जब इन्होंने अटैक किया तो ये जब अस्पताल होता है उस पे बच्चे मारे जाते हैं तो बहुत दिल रोता है। तो इससे साफ मैसेज मिलता है प्रेसिडेंट पुतिन को भी कि ये वॉर बंद कीजिए। और अब करीब 5.5-6 लाख लोग यूक्रेन की तरफ से मारे गए और इतने ही रूस की तरफ से, तो ये तबाही हो रही है, इसको बंद होना चाहिए। और एक ही किरण है हमारे बीच, वो है मोदी जी। तो मोदी जी से यही गुजारिश है कि प्लीज इस वॉर को बंद कराने के लिए इनको ऐसे मैसेज दीजिए ताकि ये पीस एग्रीमेंट करे, सीज फायर हो और एक नॉर्मल जिंदगी शुरू हो सके जिससे हम आराम की नींद सो सके। हमें तो बहुत खुशी हुई कि मोदी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ खुशहाली होती है, और मेरा ये मानना है कि जैसे एक देवलोक से कोई देवता आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आके वो जरूर एक ऐसा काम करेंगे जैसे हम लोग सब जने सुखी हों, क्योंकि इस टाइम वॉर के टाइम हम सब जने बहुत दुखी हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर खुशहाली हो और प्रॉस्पेरिटी आए यहाँ पर, जैसे पहले वॉर से पहले थी वैसे प्रॉस्पेरिटी आए। इस दौरे से क्या उम्मीद रखते हैं आप? इस दौरे से हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से कि मेडिएशन का बीच का काम तो चलो हमने सुना था वो नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा करें कि ये लड़ाई रुक जाए, और ये हमारा विश्वास है कि वो ही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता काम। वो इसलिए क्योंकि उनके कदम, मैंने शुरू में बोला, जहां पड़ते हैं वो शुभ है। आप जब वो सीएम थे गुजरात से और जब अब इंडिया जहां तरक्की कर गया है वो देखो, बड़ा फर्क है। और उसके बाद उन्होंने जो श्री राम जी के वहां अयोध्या जी में, देखो वो उनका इंतजार कर रही थी अयोध्या जी, जब मोदी जी बने और उनके हाथ से सब कुछ हो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल जो वॉर के टाइम जो बॉर्डर के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबको, और एक तो वो हिंदुस्तानियों के लिए वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, और साथ में जो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर आने के लिए। पहले जितने स्टूडेंट्स थे अब उतने स्टूडेंट्स तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे पहले खुशहाली थी, स्टूडेंट्स थे और यहाँ पर इवन फिल्म इंडस्ट्री भी आती थी यहाँ पर शूट करने के लिए,
तो वो सब कुछ होगा, टूरिज्म का भी बहुत फायदा होगा और इस कंट्री में भी बड़ी खुशहाली होगी। हम तो इसका नमक खाते हैं कंट्री का, हम तो इसकी भी हिंदुस्तान की साथ साथ हम इसको भी कहते हैं कि ये भी आगे बढ़े, तो हमें तो बड़ी उम्मीद है। हम बहुत खुश हैं पहले तो कि श्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे कि वो इस 900 दिनों की जो वॉर है उसे विश्राम लगाएं या उन पे ख़त्म करें, ताकि सब भारतीय प्लस यूक्रेनियन जो लाखों लोग बेघर हुए हैं यहाँ से और वो वापस अपने घर आएं और अपना जीवन फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि मेरे हिसाब से यूक्रेन एक ऐसी जगह है जो इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो यूक्रेनियन और भारत का बिजनेस है वो वॉर से पहले लगभग 1 बिलियन से ऊपर रहा है और वो वापस से हो, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सेक्टर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर हैं, हमारे पास काफ़ी लाखों डॉक्टर्स जो हैं यहाँ से पढ़ के इंडिया जाके अपनी सेवा देते थे और लाखों जिंदगियों को बचाते थे इंडिया में, और ताकि ये वापस शुरू हो जाए, बिकॉज वॉर के बाद यहाँ पे ये सब कई गुना कम हो चुका है और वॉर के स्टॉप होने से ये सब वापस शुरू होगा। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि श्री मोदी जी आए और इस वॉर की जो क्राइसिस हैं उसे रोके, बातचीत स्टार्ट हो, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है, तो इस तरह से कोई राह नहीं निकलेगी, वो हमें लगता है सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। जी मुझे बिल्कुल लगता है ये होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी अतीत में दे चुके हैं कि जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो एक मोदी जी ही थे जिन्होंने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था और लाखों स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर निकाला था और दोनों साइड से बात करके उस टाइम सीज फायर करवा के हजारों जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे थे उनको थ्रू ऑपरेशन गंगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों से बाहर निकाला था। तो मेरे हिसाब से वही एक नेता है वर्ल्ड में जो कि ये चीज़ को संपन्न कर पाए हैं और उन्हीं की बदौलत आई थिंक ये वॉर भी स्टॉप होगी और दोनों देशों में वापस से संबंध बनेंगे।